दोस्तों, जब भी एलियंस यानी दूसरे ग्रह के बुद्धिमान जीवों की बात होती तो लगता है कि साइंस फिक्शन की बात हो रही है, लेकिन वैज्ञानिक एलियंस की धारणा को खारिज नहीं करते। हाँ, वे उनकी मौजूदगी के बारे में पुष्ट प्रमाण खोजते रहे हैं जो कि उन्हें अभी तक नहीं मिले। वैज्ञानिक इस बात पर भी एकमत है कि सुदूर ग्रह पर जीवन जरूर होगा, लेकिन हमारी अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हुई। एक वैज्ञानिक ने इस बात की वजह बताई कि आखिर हमारी एलियन से मुलाकात अब तक क्यों नहीं हो पाई। आइए जानते हैं उसके बारे में। दोस्तों, क्या वाकई एलियंस होते हैं? क्या दुनिया भर में जो लोग एलियंस को देखने या फिर यूएफओ को देखने का अनुभव करने का दावा करते हैं वो सही है? इसी सवाल पर वैज्ञानिकों की भी एक अलग तरह की मांग। इसके साथ ही वैज्ञानिक अभी तक इस बात को पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं दे पाए हैं कि अब तक हमारी एलियन से मुलाकात क्यों नहीं हो पाई है। दोस्तों, 2 साल पहले नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी ने रूस के वैज्ञानिक अलेक्जेंडर बेरजियन ने इस मामले में एक मत दिया था। उनका कहना था कि एक बार कोई सभ्यता तारों के पार पहुंचने की अपनी क्षमता हासिल कर ले तो वह दूसरी सभ्यताओं को खत्म करने लगेगा। ऐसा नहीं है कि वाकई में कई एलियन प्रजाति हैं जो हमारी दुश्मन ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने हमें देखा ही ना हो, और हो तो ये भी सकता है कि उनके लिए हमारी कोई अहमियत ही ना हो। साल 2018 में बेरजियन ने लिखा था कि उन्होंने हमें देखा ही नहीं होगा या हमारे बारे में कभी गौर नहीं किया होगा। ये बिल्कुल वैसा ही हो सकता है कि निर्माण की जगह पर मजदूर चींटी के घरों को नष्ट कर देते हैं क्योंकि उनको चींटियों को बचाने की कोई दिलचस्पी नहीं होती। ऐसे में दोस्तों, एक सवाल उठता है कि एलियंस ने हमें अब तक नष्ट क्यों नहीं किया या नष्ट करना जरूरी नहीं समझा। बेरजियन का कहना है कि अच्छी खबर यही है कि इंसान का हाल चींटियों की तरह होने की संभावना नहीं है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम भविष्य की विनाशकारी प्रजाति हो सकते हैं, बस अभी हम उसके लिए तैयार नहीं। अगर इस अवधारणा को सही माना जाए तो इसका हमारे भविष्य के लिहाज से क्या महत्व है? दोस्तों, इस सवाल का यही जवाब हो सकता है कि हम इस मंच पर आने वाले सबसे पहले हो सकते हैं, और इस बात की भी संभावना है कि जाने वाले में भी सबसे आखिरी हम ही। दोस्तों, बेरजियन इसकी व्याख्या 2 ऐतिहासिक उदाहरणों से करते हैं। उन्होंने उपनिवेशीवाद और पूंजीवाद के उदाहरण दिए जो इंसानों की दूसरी संस्कृतियों को नष्ट करने की प्रेरणा देगा। उन्होंने उम्मीद भी जताई कि वे गलत साबित हों। ऐसी आशंकाएं हमेशा ही होती है कि भविष्य में हालात खराब भी होंगे। धरती पर सदियों तक चले आ रहे सभ्यता के संघर्ष को देखते हुए यह मानना आसान है यह थ्योरी सच साबित होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। कई बार आपदाओं ने मनुष्य को एक भी किया है। जो भी अभी यह स्थिति आने में है, पृथ्वी के इंसान की दूसरी सभ्यता नष्ट करने लगेगी। अभी बहुत ही अधिक समय इस चीज के लिए बाकी है। हालांकि दोस्तों, अभी तक एलियन और मनुष्य को सीधे सामना होने की कोई घटना अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में इंसान ही एलियंस को ढूंढने का सक्षम हो जाए। दोस्तों, आपका इस पर क्या विचार है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।